हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लेनेट इंडिया। आप सभी का स्वागत है फिर से नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम हमारा जो जीके का सोल्ड पेपर चल रहा था उसकी वीडियो सीरीज का पार्ट टू से रिलेटेड है। आज हम जीके के जो सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 जीके का जो हम पेपर सोल्व कर रहे थे ग्रुप टू का, उसे आज कंटिन्यू करेंगे और आज कंप्लीट कर देंगे इसके वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे पार्ट वन में, आज हम 41st से लेके बाकी पूरे 100 कोशिश करूँगी मैं पूरे वीडियो में आपको आज कंप्लीट करें। सो चलिए फ्रेंड, देखिए 40 क्वेश्चन हमने देख लिया था, अब 41 देखते हैं। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है। तो देखिए ये जो अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्यमंत्री। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में पूछा है, इसलिए राजस्थान मतलब स्टेट का जो मानव अधिकार आयोग है उसमें मुख्यमंत्री होता है। तो क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यपाल से संबंधित स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट में से हमें सही जो स्टेटमेंट है वो बताने हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेटमेंट है, वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। नेक्स्ट है, वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन डी है, उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्व विवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इन सभी कथनों में केवल सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बाकी इस इनकरेक्ट हैं। जब हम वीडियो सीरीज़ जब हमारी थियोरी की वीडियो सीरीज चलेगी फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को तब ये डिटेल्स एक्सप्लेन करूँगी कि ये आंसर्स के इनका ये क्यों हुआ। अभी हमारी सोल्व पेपर चल रहा है तो हम सिर्फ सोल्व करेंगे पेपर को। 43 है, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति की 1969 के अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष थे मोहन मुखर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अंदर से डीप क्वेश्चन है। 44 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए हमें दो सूची दी है, सचिवालय में रैंक और उसके बाद उनका कार्य। तो देखिए जो शासन सचिव है फ्रेंड, उसका काम होता है नीति का निर्माण करना। परियोजना अधिकारी होता है कार्यक्रम क्रियान्वयन करने वाला। अनुभाग अधिकारी जो होता है वो उसका काम होता है संपूर्ण पर्यवेक्षण करना। और सहायक जो होता है उसका काम होता है नैतिक लिपिकीय कार्य। तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट में 2, सेकंड में फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1 नवंबर यानी कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। तो देखिए जब राजस्थान निर्माण हुआ था उससे पहले जो होते थे वो राज प्रमुख होते थे, और जब राजस्थान का एकीकरण के पश्चात राज प्रमुख का पद हटा दिया गया था। अब आंसर होगा इसका राज प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 46 है, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है जिसका अर्थ है। तो देखिए अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है कि क्योंकि वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है 47, ये भी एक सूची को दूसरी सूची से सम्मिलित करना है। तो देखिए आपको इसमें सूची 1 और 2 दी है जिसमें मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल दिया है। तो देखिए फ्रेंड, इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ मैं आपको, आंसर 1। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधितः प्रमुख हैं। तो देखिए विधितः प्रमुख इसमें आंसर दिया है राज्य के राज्यपाल। 49 है, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है। मुख्य सचिव के 4 कार्य दिए हैं और आपको कूट में से इसके आंसर देने हैं। तो देखिए इसमें जो सभी कार्य है, कैबिनेट सचिव के रूप में मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में भी होता है, सचिवों के मुखिया के रूप में है,
सिविल सेवा का प्रधान होता है, यानी कि वो एक आरएस लेवल का प्रोफेसर होता है, सॉरी लेवल का अधिकारी होता है, और राज्य के प्रधान के रूप में भी वो होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ए बी सी डी, सभी ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, नाभिक की आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है ऑप्शन ए, यह भारत के प्रथम नाभिक की परीक्षण 1974 की प्रक्रिया के फलस्वरूप स्थापित किया गया। तो देखिए, नाभिक की आपूर्तिकर्ता के रूप में हमें स्टेटमेंट बताने हैं, क्वेश्चन ये है। तो पहला ऑप्शन हमने देख लिया कि नाभिकीय परीक्षण 1974 की प्रक्रिया के फलस्वरूप स्थापित हुआ था नाभिकीय आपूर्तिकर्ता। नेक्स्ट है, यह नाभिकीय प्रसारण की रोकथाम के लिए उस सामग्री साजो सामान व तकनीक के निर्यात पर नियंत्रण करता है जिसका नाभिकीय हथियारों के निर्माण में उपयोग हो सकता हो। वर्तमान में इसमें केवल 30 सदस्य हैं। भारत ने जून 1916 में बीजिंग में पूर्ण बैठक में इसका सदस्य बनने का प्रयास किया था। तो देखिए, इसका जो स्टेटमेंट ए है और स्टेटमेंट बी है वो दोनों इसमें सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन टू, सॉरी ऑप्शन थ्री, ए और बी। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो संविधान का मुख्य स्रोत है वो माना जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से काफ़ी सारे जो स्रोत है वो लिए गए हैं, और बाकी कुछ ही स्टेटमेंट विदेशों से ग्रहण किए गए हैं, और भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किए हैं। सो इसमें भी कूट में आपको आंसर देना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी और बी और डी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्व एक भाग है। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन 248, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कहा गया है कि गो का वध निषेध किया दिया गया है। ये मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी फ्रेंड, आपको ट्रिक बताऊंगी, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, ये सब मैंने ट्रिक से आपको मैं लर्न करवा दूंगी एक ही वीडियो में, जिससे आपका लाइफ टाइम ये जो आर्टिकल है वो कभी आप भूलेंगे नहीं। सो आप वीडियो सीरीज जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की विदेश नीति में पड़ोसी पहले की नीति किसने आरंभ की थी? तो जवाहरलाल नेहरू, महेंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। तो देखिए, पड़ोसी पहले की नीति भारतीय विदेश नीति में किसने आरंभ की थी? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित संबंधित है। तो देखिए, पंचायत 11वीं अनुसूची जो पंचायत राज अधिनियम से संबंधित है उसमें पंचायत को 29 मद दिए हैं। निम्न में से किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटाना है? तो देखिए, इसका आंसर होगा न्याय आपके द्वार। नेक्स्ट है 56, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजना को पारित किया है। निम्न में से उस परियोजना का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, ये जो परियोजना थी इसके अंतर्गत रतन बिहारी जी बीकानेर, इसका आंसर इनकरेक्ट, ये इसमें शामिल नहीं था और ये सब इसमें शामिल था। ये जो करंट आई थी फ्रेंड, ये नवंबर की करंट आई थी, जिस टाइम पे जो सेकंड ग्रेड एग्जामिनेशन हुआ था उसमें नवंबर की करंट जो आई थी वो आई थी। नेक्स्ट है 57, 20 से 21 अगस्त 2016 को जयपुर में आयोजित ब्रिक्स महिला सांसद सम्मेलन का उद्घाटन किया सुमित्रा महाजन के द्वारा किया गया था। तो देखिए, ये जो अगस्त सितंबर नवंबर तक की इसमें करंट आई थी टोटल आपके, और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, अगर आप लोग राजस्थान पत्रिका के जो क्वेश्चंस आते थे, अगर आप लोग नहीं वो पढ़े क्वेश्चन होंगे तो आप लोगों के जरूर बैठे होंगे, उसमें डेफिनेट डेली अपडेट्स आते थे, ये जो भी सारे इवेंट्स हुए थे इनके सबके क्वेश्चंस इसमें डेली आते थे। मैं इस बार वो सीरीज भी स्टार्ट करूंगी पत्रिका के क्वेश्चंस की भी, मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन भी है। सो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, राजस्थान से राज्यसभा के पूर्व सांसद वीपी सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया था? तो पंजाब का राज्यपाल बनाया गया था।
18 जून 2016 को प्रथम बार महिला लड़ाकू विमान पायलटों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। निम्न में से राजस्थान से कौन थे? तो देखिए, भारतीय वायुसेना में था मोहना सिंह। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है, तो अनंत कुमार इसके संसदीय सचिव नहीं रहे हैं, बाकी तीनों इसके संसदीय सचिव रहे हैं। ये भी बहुत डीप से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 61 है, 61। राजस्थान राज्य की 3000 मीटर स्टीपल चेज की ओलंपिक्स में राष्ट्रीय कीर्तिमान एथलीट का नाम है? तो देखिए, गोपाल सैनी। स्पोर्ट से क्वेश्चन है, स्पोर्ट करंट काफ़ी आती है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें तो स्पोर्ट किससे करंट अफेयर का क्वेश्चन डेफिनेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्पोर्ट से है। राजस्थान राज्य के किस अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज को 2016 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो ये अर्जुन पुरस्कार दिया गया था अपूर्वी चंदेल को। निशानेबाज है ये, राजस्थान की है। अवार्ड जो प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु राजस्थान राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है? तो गुरु वशिष्ठ अवार्ड दिया जाता है खेल प्रशिक्षक को। 2016 में राजस्थान राज्य के द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त मुक्केबाज प्रशिक्षक का नाम था? तो सागरमल धायल। नेक्स्ट है सॉरी, कृषि वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्थान में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ? देखिए, एनसीईआरटी के आप लोग ध्यान देखिएगा, डेटा उसके ही आप पढ़िएगा जब भी आप कभी भी प्रिपरेशन करते हैं, तो ये डेटा जो हैं वो एनसीईआरटी के ही करेक्ट माने जाते हैं। गाइड्स में जो डेटा आते हैं वो बहुत उसको सही नहीं माना जाता है, इसलिए काफ़ी सारे कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के हो जाते हैं। नेक्स्ट पर है, 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2007 से 2012 के मध्य कमी हुई थी? ये क्वेश्चन जिसने भी गाइड से पढ़ा है उनके डेफिनेट इस क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ था। सो फ्रेंड्स, मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, आप डेटा हमेशा एनसीईआरटी के ही फॉलो करें। तो इसका आंसर होगा 18.86%, 2007 से 2012 के मध्य कमी हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, जिसने भी गाइड से पढ़ा था तो सभी स्टूडेंट्स का आंसर 15.86% करके आए थे, जो विच इज़ रॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर है 18.86%। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है श्वेत क्रांति से, तो सभी को पता है। ऑप्शन 68 है क्वेश्चन नंबर। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना की गई है? जो विकास बोर्ड है वो है जोधपुर में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक या उद्यानिकी की फसलों की प्रीमियम दर है? तो 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब देखिए फ्रेंड्स, जो अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो होंगे साइकोलॉजी के। यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो चुकी है हमारी जो राजस्थान जीके थी उसके क्वेश्चंस। तो चलिए, अब हमारी साइकोस की सीरीज स्टार्ट हो रही है, साइको के क्वेश्चंस हैं, और मैं साइको के क्वेश्चन बहुत भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आगे भी जब हम इसकी डीप से थियरी वीडियोस देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? तो देखिए, हमें पता है मानसिक आयु हमें निकालनी है, तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला था, IQ बराबर MA/CA इंटू 100, ये जो सूत्र है इसमें मान भरेंगे तो आप लोग निकाल लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 9। देखिए, ये जो मैं इस पर ऑलरेडी बुद्धि लब्धि पर IQ पर एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था नीट एग्जाम में भी, तो सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर वैसे आता ही होगा। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्म जाता है, तो ये मैंने भी बताया वीडियो में, अल्फ्रेड बीने के द्वारा बुद्धि परीक्षण किया गया था, पहला बुद्धि परीक्षण भी इन्होंने किया था, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो नेक्स्ट है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया हुआ है, वुडवर्ड के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन SR अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ब्रूनर, क्योंकि ब्रूनर एक संज्ञानवादी से रिलेटेड संरचनात्मक विज्ञान का जन्मदाता है, और ये सब व्यवहारवादी हैं। नेक्स्ट है, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? तो देखिए, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है,
इसका आंसर होगा ऑप्शन टू। देखिए, नीड्स, ड्राइव्स एंड इंसेंटिव्स, ये तीनों हैं, ये नहीं है, बताया हुआ है क्वेश्चन, मैंने पढ़ाया है आपको। सारे साइको के सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ मैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लेके और आप लोग उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का ही लिंक डाल रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज में पढ़ाया हुआ है। तो देखिए, वंशानुक्रम से व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, परंपरागतता, सॉरी सॉरी परिपक्वता, वातावरण, सभी से पर्सनैलिटी जो डिफरेंसेस है वो क्रिएट होते हैं, लेकिन निर्देशन से नहीं होते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, अल्बर्ट बांडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को खालिस्तान से भी जाना जाता है। तो बांडूरा का जो सिद्धांत था वो आप सभी को पता है, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, ऑप्शन टू बताया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, साइको के क्वेश्चन अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों को सारे ऐसे के ऐसे आंसर मिल जाएंगे, सभी टॉपिक्स के जो क्वेश्चन हैं ये आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है, ये कथन है स्कीनर का। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान इट्स अप्लाइड बिहेवियर साइंस, इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला ये सभी को पता है विलियम वुंड के द्वारा खोली गई थी, ये भी मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? तो सृजनात्मकता भी मैंने पढ़ाई थी, तो सृजनात्मकता से किसका मापन नहीं होता है फ्रेंड? इसका आंसर होगा तार्किकता, मौलिकता होती है, लचीलापन और धारा प्रभाविता भी होती है। क्वेश्चन नंबर 81, स्प्रिंगर के द्वारा कौन सा व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं दिया है? तो देखिए, ये मैंने बहुत ट्रिक से बताया था, जिन्होंने मेरे वीडियोज़ देखे होंगे तो उन्हें पता है स्प्रिंगर के द्वारा सामाजिकरण, जो सामाजिकता के आधार पर उसने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, तो उसमें सामाजिक, कलात्मक, सौंदर्यात्मक ये सब थे और सुंडोलकाय नहीं था। नेक्स्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था? ये भी मैंने बताया है, बहुत अच्छा वीडियो है, इस पर आप जरूर देखिएगा, ट्रिक से मैंने बताया है, ट्रिक की वीडियो है पूरा, ट्रिक से लर्न करवाए थे। तो TAT का सिद्धांत किसने दिया गया था? मरियन मुरे के द्वारा, 35 में दिया था। नेक्स्ट है, अच्छे समायोजन की विशेषता है, तो अच्छे समायोजन की भी विशेषता है सृजन सहनशीलता। नेक्स्ट है, टर्मन के अनुसार अति उत्कृष्ट रखते हैं, जो देखिए वेरी सुपीरियर जो होते हैं 140 से अबव। नेक्स्ट है, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है, देखिए ब्रिजेस के अनुसार संवेगात्मक विकास उत्तेजना का भाग है। नेक्स्ट है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, ये भी मैंने ट्रिक से बताए थे, बुद्धि के सारे सिद्धांत और द्वि तत्व कहाँ होते हैं? दो तारों में स्पायर होता है, मैंने बताया था, ऑप्शन टू इसका आंसर है। निम्न में से अभिवृद्धि मापन की विधि नहीं है, तो देखिए अभिवृद्धि जो मापन है उसकी विधि कौन सी नहीं है? इमोशनल कम्प्लीटेंस स्केल, और ये तीनों इसकी स्किल है। बहुत अच्छा साइको पढ़ाऊंगी मैं फ्रेंड आपको, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं कुछ टॉपिक्स पे मैं ऑलरेडी बढ़ा चुकी बता चुकी हूँ डिटेल वीडियोस, सो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। और आने वाली जो सीरीज़ है अब मेरी सेकंड ग्रेड की, वो बहुत अच्छी होगी और काफ़ी अच्छे डिटेल से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है 88, कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? तो रुचि का जो पहलू क्या नहीं है, देखिए जानना रुचि है, अनुभव करना, इच्छा करना, लेकिन गति करना, मूवमेंट इज नॉट इंटरेस्ट, इट्स अ फिजिकल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, जो व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है बांधों का निराकरण करना, ये सब अप्रत्यक्ष है, ये मैंने भी वीडियो में बताया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही समायोजन के प्रकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च, ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड आए हैं क्वेश्चन, तो देखिए माउंट कोसी उसको, ये इसका आंसर होगा, ये भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। पृथ्वी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस।
दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थाई पवने कहलाती है उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवने। ऑप्शन 3 मल्लक्का जल डमरू मध्य अलग करता है। जल संधियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेट बनता है, ये भी आपको ट्रिक से बताऊंगी फ्रेंड, मलेशिया और सुमात्रा को। नाम से स्पष्ट देखिए मलेशिया और इसमें आएगा सुमात्रा, म से मलेशिया, इस तरह से आपको लर्न करवाऊंगी मैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए नदियां दी है उसकी सहायक नदी दी है, तो देखिए जो हांगो नदी है वो उसकी सहायक नदी ये नहीं है। मर्रे की डार्लिंग, ऑस्ट्रेलिया की अमाजोन, दक्षिण अफ्रीका की मिसिसिपी, उत्तरी अमेरिका की, तो इसकी सहायक नदियाँ यही है, और साथ में जो हांगो नदी वो एशिया की है और इसकी सहायक नदी मिन नहीं है, ये इनकरेक्ट है। लास्ट 5 क्वेश्चंस बचे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। भारत का अक्षांश देशांतरी विस्तार, देखिए ये मैंने ट्रिक से पढ़ाया है, इस पर मैंने वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो वीडियो ज़रूर देख ले, तो आपको इसका आंसर डेफिनेट आएगा, मैं इस पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो देखिए जो भारत का अक्षांश है और देशांतरी विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट नेक्स्ट है 96। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है, देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछी है, तो वो है अन्ना मुंडी। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम 2015 रीट पे भी पूछा गया था, तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सम फ्रेंड आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा, भारत के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार मैंने उसमें बताया है। नेक्स्ट है इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, उसमें मेरी भौगोलिक विस्तार सिर्फ। चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 97 उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवने किस तट के सहारे वर्षा करती है, तो देखिए जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी तट पवने हैं वो कोरोमंडल तत्व के तट पर के सहारे सहारे वर्षा करती है। नेक्स्ट है देखिए जो ये भारत देश है हमारा, तो इधर है कोरोमंडल तट तो पूरी तरफ, और इधर है मालाबार तट, इधर जो है मालाबार तट, ये सारे मैंने ट्रिक से बताए हैं, और इधर कोरोमंडल। डियागो ग्रसिया द्वीप जहाँ स्थित है वह है, तो डियागो ग्रसिया स्थित है हिंद महासागर में, ये बहुत डीप क्वेश्चन था। गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, देखिए गंगा नदी की सहायक नदी मानस नहीं है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनता है, तो चूलिया चंबल नदी चूलिया जलप्रपात बनाती है। तो ये हो गए फ्रेंड हमारे आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके के सॉल्ट पेपर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस। पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया है, पार्ट 1 भी आप लोगों ने देख लिया होगा। सो फ्रेंड्स आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जो जीके का पेपर 1 था ग्रुप 1 का वो भी अपलोड कर दूंगी, ताकि आप लोगों को जीके के जो सारे क्वेश्चंस पेपर है वो आप लोगों को नॉलेज प्लेन इंडिया पर आप लोग सब कुछ मिल जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पेपर नहीं दिया है तो उन लोगों को आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं सेकेंड ग्रेड तो उन्हें भी ये पता होना चाहिए। तो ये था हमारा जीके का पेपर 1 का ग्रुप 2 का पेपर। सो आई होप कि आप लोगों का वीडियो पसंद आया होगा, तो फ्रेंड वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और जल्दी हमारी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की वीडियो सीरीज स्टार्ट होने वाली है थियोरीज की वीडियो। फ्रेंड्स आप लोग अपना सजेशन मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियोज़ किस टाइप से प्रोवाइड कराई जाए। देखिए हम 2 मिनट बात कर लेते हैं इस पर, इसी वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। देखिए अब आगामी जो परीक्षाएं आ रही है वो देखिए, एक तो आपके होगा आरएएस प्रीलिम्स का पेपर, नेक्स्ट आपके होगा आरपीएससी का सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, दोनों ही आपके आएगी एक साथ वैकेंसी ये तो, और आरपीएससी एलडीसी का भी आपके इसमें एग्ज़ाम होगा, तो एलडीसी ये तीनों ही आपके आरपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम होंगे, तो तीनों ही पेपर्स में आपके राजस्थान जीके डेफिनेट आएगी। तो फ्रेंड आप लोग अब मैं जो राजस्थान जीके है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ, बट आप अपना सजेशन दीजिएगा कि आपको पहले ज्योग्राफी चाहिए या आपको हिस्ट्री चाहिए। सो बस ये एक इम्पोर्टेंट था जो मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जिनकी डिमांड ज़्यादा होगी मैं वही वीडियोस अपलोड करूँगी। दोनों वीडियो सब्जेक्ट हमें कंप्लीट करना है, बट आप लोगों की डिमांड पर
मैं जो वीडियोस अपलोड कर दूंगी तो आप लोग अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और जितने ज़्यादा आप कमेंट्स आप लोगों के आएंगे, मैं उतना ही जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस सीरीज स्टार्ट कर दूंगी और आपको डेली वीडियोस मिलते रहेंगे, ताकि आप लोगों का मार्च में पूरा राजस्थान का जो एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो भी हो आप कंप्लीट कर देंगे। काफ़ी लंबा है राजस्थान जी के, सो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो आई होप कि फ्रेंड्स अब तक आपको सारे कन्फ्यूजन हो जो होंगे आगामी वीडियो से लेकर रिलेटेड जो क्लियर हो जाएंगे, और हमारी प्रिपरेशन आप लोगों की भी प्रिपरेशन एक बन जाएगी डेली कंटिन्यूस। सो आप लोग अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। सो फ्रेंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नॉलेज प्लेनेट इंडिया। गुड लक एंड गुड बाय।